नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो मीडिया सेंसेशन, सोशल मीडिया सेंसेशन रानू मंडल के बारे में है। यह जानकारी अभी आपको नहीं होगी। आपको बताएं कि रानू मंडल का नाम इन दिनों हर किसी की जुबां पर है। रानू मंडल की ज़िंदगी और उनके सफ़र के बारे में हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की जिज्ञासा भी है। रानू मंडल ने बताया कि 60 साल पहले उनका जन्म एक खाते पीते परिवार में हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे हालात बने कि वे अपने परिवार से अलग हो गई। उसके बाद उनकी शादी दिवंगत बॉलीवुड एक्टर फिरोज खान के घर में बतौर कुक काम करने वाले शख्स से हुई, जो उन्हें मुंबई ले आया। लेकिन तभी उनके परिवार में दरार आ गई और रानू मंडल के जीवन का संघर्ष बढ़ गया। आज रानू मंडल इंटरनेट सेंसेशन है, जिन्होंने राणा घाट स्टेशन पर सफ़र शुरू किया और बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत कर रही हैं। रानू मंडल ने मुंबई में IANS से बातचीत में कहा कि मेरी ज़िंदगी की कहानी काफ़ी लंबी है, मेरी ज़िंदगी पर आसानी से फिल्म बनाई जा सकती है, यह बहुत ही खास होगी। रानू मंडल की ज़िंदगी उस वीडियो से बदली जिसमें वे रेलवे प्लेटफॉर्म पर लता मंगेशकर का सुपरहिट सॉन्ग एक प्यार का नगमा है गा रही थी। इस वीडियो के वायरल होते ही रानू मंडल पूरे देश में पॉपुलर हो गई। फिर म्यूज़िक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया ने उन्हें बॉलीवुड में बतौर प्लेबैक सिंगर लॉन्च कर दिया। रानू मंडल सुपरस्टार सिंगर का एक एपिसोड भी रिकॉर्ड कर चुकी हैं। रानू मंडल ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, मेरा जन्म फुटपाथ पर नहीं हुआ था, मेरा परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी किस्मत नहीं थी। मैं सिर्फ 6 महीने की थी तभी अपने परिवार से अलग हो गई थी। मतलब कि वह जब 6 माह की थी तभी वह अपने परिवार से अलग हो गई थी। रानू मंडल की दादी ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन ज़िंदगी आसान नहीं थी। रानू मंडल ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि हमारे पास घर था, लेकिन आप जानते हैं उसे चलाने के लिए लोग चाहिए। लंबे समय तक अकेलापन रहा। मैं ईश्वर में विश्वास के साथ संघर्ष करती रही। मैं हालात के मुताबिक गाती थी, लेकिन मुझे गाने का मौका नहीं मिला। मुझे गाना पसंद था इसलिए गाती थी। मैं लता मंगेशकर से गायकी सीखती थी। यह सीखना रेडियो और कैसेट में उनके गानों से होता था। रानू मंडल ने बताया कि शादी के बाद हम पश्चिम बंगाल से मुंबई आ गए। मेरे पति फिल्म स्टार फिरोज खान के घर बतौर कुक काम करते थे। उस समय उनका बेटा फरदीन कॉलेज में पढ़ता था। वे हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरह। रानू ने बताया कि मुंबई में रहना वाकई मज़ेदार था। वे नई फिल्में देखती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फिर परिवार टूट गया और उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। YouTube पे जाके इंडिया बोलेगा सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के घंटी को दबाएं, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसी तरह के कुछ और वीडियो देखने हों तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।